आराम से। दो मिनट सब रुको बस, दो मिनट। ऑटो 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 सनी, तुम ठीक ठीक यार, तुम बस सांस लेते रहो, दो मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे हम, ठीक है? दो मिनट। अरे कोई टैक्सी ऑटो कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ यार, पैदल चले सर, पैदल नहीं। ऑटो, हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर सिर्फ दो मिनट। हाँ गाइस, मैं छोड़ दूँ? छोड़ दो, आप पहले चुके हैं सर, इससे ज़्यादा मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है हमें, वील मैनेज। ऑटो सुहानी, लुक एट योर सेल्फ, प्लीज गेट इन द कार, आई विल ड्रॉप यू। थैंक यू गाइस, प्लीज मेरी सर, हमने कुछ स्लाइड्स रेडी की है आपके लिए, जिससे आपको सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। स्टार्ट द स्लाइड्स प्लीज। अगर आप नोटिस करें, स्लाइड नंबर 5 और 7, अगर ये प्लान हम लोग फॉलो करें, प्रॉफिट सिर्फ 10% है, वी विल एंड अप मेकिंग ओनली अबाउट 1 crore पर क्वार्टर। बल्कि कंटिन्यू, इफ यू फॉलो दिस प्लान तो कम से कम 5 to 6 crore प्रॉफिट पर क्वार्टर हो सकता है। So I really think we should go with slide. आप चाहे तो इसकी हार्ड कॉपी हम आपको दे सकते हैं, you can study it at home. पर माफ कीजिएगा, मैं तो आम जुबान समझता हूँ, ये सब मुझे नहीं समझ आ रहा। सर, इसमें सब कुछ साफ साफ mentioned है, confusion का तो सवाल ही नहीं। ऐसा आपको लगता है, पर मुझे आंखों की गणित से भावनाओं की गणित समझ आती है, और इस काम में मैं बिल्कुल पक्का हूँ। भाई वो आप नहीं समझेंगे, आप प्रिया बेटी को बुलाइए। कई महीनों से मैं उसी के साथ डील कर रहा हूं, और आज भी चाहता हूं कि उसके सामने ही डील करूं। अरे अरे मिस्टर सत्यमलाल, उसे क्या बुलाना, मैं हूं ना। देखिए मैं आपको समझाता हूं। तुम मुझे समझाओगे? अरे मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूं, और तुम मुझे नाम से पुकार रहे हो? तुम्हें तो इतना भी समझ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, और तुम मुझे समझाओगे? ऋषि सर, प्लीज कॉल। यस सर। चलो अंदर, बॉस ने बुलाया अंदर मीटिंग में। क्यों? तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए मैं बॉस को अभी मीटिंग से बाहर बुलाऊं? हाँ चलें। नमस्ते अंकल जी। अरे नमस्ते नमस्ते। मैं भी यही सोच रहा था कि यहाँ मीटिंग हो रही है और प्रिया बेटी नहीं है। एक्चुअली अंकल, मैं वो एक और मीटिंग में बिजी थी, लेकिन देखिए अब आ गई आपकी मीटिंग के लिए। बहुत अच्छा। और आपकी पोती वो कैसी है? अब तो बहुत शैतान हो गई है, किसी दिन लाऊंगा मैं तुमसे मिलवाने। हाँ ले आइए ना, आप सैटरडे को लेकर आइए ना, सैटरडे को तो वैसे भी यहाँ हाफ डे होता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, ये जो तुम्हारे नए बॉस हैं, ये न जाने क्या मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने सारे चार्ट दिखा रहे हैं। भाई इनको जरा बताओ ना कि मुझे तो एक ही चार्ट पता है,
वो ठेले वाली, पानी बतासे वाली। अंकल ये हमारे नए बॉस है ना, ये इनका काम करने का तरीका, इनकी टेक्निक थोड़ी नई है, अलग है, लेकिन मतलब वही, आपको कुछ और नहीं करना, वही जो पहले करते हैं वही करना, आपको पैसे लगाने हैं और प्रॉफिट लेना है। हाँ इस बार आपको पहले से थोड़े ज्यादा पैसे लगाने हैं, पर डोंट वरी, आपकी सारी डिटेल्स मेरे पास लिखी हुई है, काम बिल्कुल आपके हिसाब से ही होगा। इस बार आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा और ड्यू डेट पे पैसे बाकायदा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, है ना अंकल। और देखिएगा इस बार आपको इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा कि आप अपने गांव में जो वो मंदिर बनवाना चाहते थे ना, उस पैसे से वो मंदिर भी बनवा सकेंगे। अरे वाह, सच में? जी अंकल, आप भरोसा रखिए। सिर्फ एक तुम ही तो हो जिस पे भरोसा है मुझे। तो ठीक है श्याम कपूर जी। सर माय नेम इज राम। हाँ हाँ, जो भी है मैं आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को तैयार हूँ, पर अगली मीटिंग में प्रिया बेटी को ही बैठना होगा। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। जी अंकल, नमस्ते। जीते रहो। ओके मिस्टर कपूर। ये कोई तरीका क्लाइंट से डील करने का? ऐसे लग रहा है जैसे तुम घर में चाय के लिए उसको बुलाने वाली, और ये पोती मिलाने का क्या था? इज दिस अ प्ले स्कूल? मिस्टर, आई एम सॉरी सर, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आपकी फिगर्स, नंबर्स की भाषा उन लोगों को समझ में आ सकती है जो दिमाग से बिजनेस करते हैं, लेकिन मिस्टर सत्यमपाल दिमाग से नहीं, दिल से बिजनेस करते हैं। उनके लिए किसी बिजनेस डील का सक्सेसफुल होना इतने मायने नहीं रखता जितना कि आपसी रिश्तों का सक्सेसफुल होना। सॉरी फॉर बीइंग सो ब्लंट, लेकिन आप होंगे बहुत पक्के बिजनेसमैन, लेकिन आपसी रिश्तों को समझने में, उन्हें निभाने में आप अभी कच्चे हैं शायद, और शायद इसीलिए आपको मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं है। आपको बुरा ना लगे तो एक सलाह देना चाहती हूँ, थोड़ा बदलिए अपने आप को सर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आप आज ही एक छोटी सी डील खोने वाले थे, वैसे ही कल आप अपनी जिंदगी के किसी अहम रिश्ते को खो दें। क्या हुआ मैम, आप इतनी सैड क्यों हैं? बॉस ने डांटा क्या? उनकी बातों को एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। सीरियसली वो बहुत खड़ूस है, उनके सर पे तो और दो चार पड़नी चाहिए थी। माधवी प्लीज, बॉस का मेरे मूड से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो अपने काम से काम रखना। मैं तो आपके अच्छे के लिए बोल रही थी। थैंक्स, लेकिन मैं अपना अच्छा खुद देख सकती हूँ। सांस लो, नथिंग सीरियस, घबराने की कोई बात नहीं, मैं दवा लिख देती हूँ, आ जाओ। फाइन। नथिंग सीरियस। थैंक गॉड, थैंक यू। घबराने की बात नहीं है, ये एसिडिटी की वजह से था। यू आर डॉक्टर ना,
आपको तो खुद पता होगा। डॉक्टर मुझे पता था और मैंने कितनी बार इसे भी समझाने की कोशिश की लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं है। मेरी बात सुने तब ना। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा ना इन्हें इलाज की जरूरत। इसका कोई इलाज नहीं है। इनफैक्ट ये तो होने वाले बच्चे और उसके फादर के बीच की एक बॉन्डिंग होती है। आप तो बहुत किस्मत वाली हैं कि आपको इतना ख्याल करने वाला पति मिला है, वरना मेरी तो कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनके पति डिलीवरी के बाद भी उनको देखने नहीं आते। बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी लविंग और केयरिंग हस्बैंड मिला है। थैंक यू डॉक्टर। और तुम मिस्टर खुश, तुम्हें मैंने कहा था ना कि नॉर्मल एसिडिटी है, तुम मेरी बात सुनो तब ना। तुम्हें तो टेंशन लेने की आदत हो गई है। हाँ हो गई, और ये वैसे ही रहेगी जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती। एंड यू कांट चेंज दैट, ओके? रियली? या। अब। सॉरी। या, लेट्स गो। बाय डॉक्टर। आराम से। आराम से। देखा, तुम सुनते ही नहीं हो मेरी बात। पर सच बताऊं। क्या हो? बहुत दर्द हो रहा है खुश। चल नहीं पाओगी? ओ, चलो गोद में उठा लेता हूँ, आ जाओ। पागल हो क्या? अच्छा पिट्टू बन जाओ। पागल हो क्या? अच्छा ठीक है चलो। अच्छा बस मैं हेल्प करूँ। जीनत एक मिनट आना, ये फाइल रेडी है, ये बॉस को दे देना, ओके? मैं निकल, बाय। ओके गाइस, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं, बाय, सी यू। बाय। कहाँ जा रही हो? घर। और कहाँ? अभी 5:30 बजे हैं। ऑफिस का टाइमिंग 6:30 तक है। तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिली? सर हमारे एक्स बॉस प्रिया को 5:30 बजे चले जाने देते थे। एक्चुअली सर उसके बिल्डिंग में ना 6:30 बजे पानी आता है और वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। That's not my problem. और जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, is that clear? You will stay to 6:30. I know, Mr. Kapoor. आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने मीटिंग में जो किया उसी का बदला ले रहे हैं ना आप? But that's fine. आपको अगर बदला लेना आता है ना तो मुझे भी जवाब देना आता है। अगर आदमी को जीतने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है तो आप जैसे मोटू गोलू इंसान को हराने का रास्ता भी उसी पेट से जाता है। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। आप तो बहुत किस्मत वाली हैं कि आपको इतना ख्याल करने वाला पति मिला है। तुम्हें तो टेंशन लेने की आदत हो गई है। हाँ हो गई, और ये वैसे ही रहेगी जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती। क्या हुआ? सैमी के बारे में सोच रहे हो? नहीं, उसके बारे में बचा ही क्या है सोचने को। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि कैसे भूलूं कि उसे आज देखा है। अच्छा लिसन, प्रिया एंजल को ये सब मत बताना, ओके? खामखा परेशान हो जाएंगी। मैं भी नहीं चाहती कि मैं ऐसी कोई भी बात करूं जिसे वो वापस पास्ट में जाए। कितना भी प्रिटेंड कर ले कि वो राम सर को मिस नहीं कर रही। आई नो शी इज हर्ट, उनकी तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहती मैं, इसलिए आई वोंट टेल हर एनीथिंग। कभी मेरे बारे में भी ऐसा सोच लिया करो यार। मतलब ये कि आज सुबह से मैं तुम्हें भूखा प्यासा लेके इधर उधर घूम रहा हूँ, मेरा क्या? मुझे भूख से एसिडिटी हो रही है। आई एम सॉरी, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके। ओ हेलो हेलो, तुम बिल्कुल मत हिलो। तुम्हें जो खाना है मुझे बताओ, मैं लेके आऊंगा। तुम खाना बनाओगे? ऑफ कोर्स,
या प्रिया एंजल का बहुत बड़ा शेफ हूं मैं और मैं ऐसी माइंड ब्लोइंग डिशेस बनाता हूं ना कि तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी। आई नो तुम माइंड ब्लोइंग नहीं, माइंड को ब्लो करने वाली डिश बनाओगे, इसलिए तुम बैठो मैं लेके आता हूं। ओ वे, मेरे ईगो को चैलेंज किया ना तुमने, अब तुम देखना मैं ऐसी डिश बनाऊंगा कि तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी और ये तुम्हारा हॉरिबल मूड है ना चकाचक कर देगी, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। देखेंगे। यस। चाके बना। देखो पेट। थोड़ा बदलिए अपने आप को सर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आप आज एक छोटी सी डील खोने वाले थे वैसे ही कल आप अपनी जिंदगी के किसी अहम रिश्ते को खो दें। आप मेरे हस्बैंड हैं। हाँ। आप बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे। How do you know this? आपकी आंखों में दिखता है। तुम जिसके फेवर में हो ना जाके उसी का साथ दो, लेकिन मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा क्योंकि मेरी बेटी गलत नहीं है। आप जब गुस्सा होते हैं ना तो मन करता है कि आपको जाके जोर से हग करूं और बोलूं कि चिल रिलैक्स। अरे तो फिर करती क्यों नहीं हो ऐसा? अब आप गुस्सा होगे ना तो जरूर करें। प्रिया मुझे लगता है कि कुछ लोग मिलते हैं सिर्फ बिछड़ने के लिए। कुछ लोग साथ तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के पास कभी नहीं आ पाते, एक ही दिशा में चलते जरूर हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचने के उनके रास्ते अलग अलग होते हैं। शायद हम दोनों भी उन्हीं लोगों में से हैं। हाँ खुश, आज हो गई थोड़ी देर। हाँ आ रही हूँ। अच्छा सुन मेरी बात, तू सुहानी को कुछ करने मत देना, पानी तू ही भर लेना ओके, बाकी मैं आके देख लूंगी। हाँ ठीक है, मैं निकलती हूँ तो फोन कर। हाँ बाय। ओके। डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा रुकाया मुझे, एक एक मिनट एक एक सेकंड का हिसाब लूंगी मैं। गलत इंसान से पंगा ले लिया है, कोई बात नहीं। हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ। या ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, अगर और कुछ काम बचा है तो कल कर लेना, तुम घर जा सकते हो। काम खत्म हो गया है सर, मुझे रोज का काम रोज खत्म करने की आदत है। इट्स अ लिटिल लेट, अगर तुम चाहो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। वो क्या है ना कि मेरे एक्स बॉस भी मुझे कभी घर पे ड्रॉप नहीं करते थे। ये बात और है कि वो मुझे एक्स्ट्रा रुकवाते भी नहीं थे, लेकिन हर इंसान अलग होता है। सो थैंक्स बट नो थैंक्स, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। आप सच में मुझे ड्रॉप करना चाहते ना तो हक से हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में बिठाते और बोलते चलो, लेकिन नहीं, ईगो जो है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।